हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल AA ऑनलाइन सॉल्यूशन। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं क्लास टेंथ का विज्ञान का कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका आंसर आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए इस खेल को खेलने के लिए आपको वीडियो में जो क्वेश्चन मिलेगा उसका आंसर बताने के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा और आपको जो है 10 क्वेश्चन में से कम 7 क्वेश्चन का जो है आंसर राइट देना है। अगर आपको हिम्मत है टॉपर बनने की तो यार ये वीडियो आपके लिए है, वीडियो को आप अंत तक देखना है। चलिए तो पहला नंबर सवाल है, पैरामीशियम का आकार कैसा होता है? तो यहाँ पर से टाइम शुरू होता है अब। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि चप्पल की तरह। पैरामीशियम का आकार जो होता है जी वो होता है चप्पल की तरह। और देखिए अमीबा का आकार जो है उत्पाद की तरह होता है, याद कीजिएगा ठीक है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा, चप्पल की तरह पैरामीशियम का आकार होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन फल पकाने में सहायता करता है? ऑप्शन ए जिब्रेलिन, एथिलीन, इंसुलिन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि एथिलीन। एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो फल को पकाने में सहायता करता है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा का अपवर्तनांक है? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। अब देखिए यहां पर मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगा, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक में यानी कि जितने भी पदार्थ है सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? तो हीरा का होता है। हीरा का कितना होता है जी? तो 2.42 होता है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। और आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो ऑप्शन में अगर हीरा रहेगा तो हीरा करेक्ट मार के आना ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएनजी के कौन कौन अवयव है? राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी सभी, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सभी जो है सीएनजी के अवयव है ठीक है। और मैं आपको बताना भूल गया कि आप लोग जो है अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दे जाएं, और लास्ट में बताना कि आपको 10 में से कितना सही गया है। और वीडियो के नीचे एक मेरा सबसे पिन करके मेरा कमेंट रहेगा, उसमें आप कमेंट करना जिसका 10 में से 7 सही गया है वो कमेंट करना ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के सीने में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि 12 जोड़ी। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। देखिए मनुष्य के सीने में जो है 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मनुष्य के सीने में कितने पीस पसलियां पाई जाती है तो आप कहोगे 24 की पीस ठीक है, क्योंकि दो पीस मिलकर एक जोड़ी बनता है, तो 24 पीस मिलकर 12 जोड़ी बना, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। मनुष्य के सीने में कितने जोड़ी पसलियां पाई जाती है जी? तो 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? ऑप्शन देखिए, तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटासियम। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा, यानी कि गोल्ड। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है जी? तो सोना यानी कि गोल्ड जो है नहीं करता है। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है?
राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 18। आधुनिक आवर्त सारणी में, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या जो होती है वो होती है 18, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। और जितने भी क्वेश्चन कवर कर रहे हैं यार, सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पिछले साल जो है पूछे जा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को, वीडियो को देखो भी, खेलो भी अच्छे से क्यूज करके, और इसको याद भी करो कॉपी में नोट करके, ठीक है, क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत लगता है, और एक लाइक कर देना मोटिवेशन के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोगैस का उत्पाद होता है, ऑप्शन देखिए, गोबर से, लकड़ी से, कोयला से, इनमें से किसी से नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि गोबर से। बायोगैस का उत्पाद जो होता है जी, वो होता है गोबर से, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है, कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है, चलिए गेस कीजिए जी, अजैव निम्नीकरणीय कचरा कौन है। तो हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी थर्माकोल जो है वो अजैव निम्नीकरणीय कचरा है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर थर्माकोल आंसर क्यों मारा आया, यहाँ पर केले का छिलका भी हो सकता था, टिश्यू पेपर भी हो सकता था, लेकिन यहाँ जो है अजैव निम्नीकरणीय कचरा पूछ रहा, तो यहाँ पर जो है थर्माकोल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपके लिए लास्ट क्वेश्चन। गेस करना है कि हमें 10 में से 7 सही करना है, और रेगुलर 1 या 2 या 3 दिन के बाद हमारी ये वीडियो अपलोड होगी। तो आप लोग जो है इस वीडियो को प्यार दीजिए, इतना प्यार दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो काफ़ी शानदार तरीके से लाऊं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊं। देखते हैं जी 10वां नंबर सवाल। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा, यानी कि मधुमेह। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से जो है मधुमेह रोग उत्पन्न होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। तो आई होप कि स्टूडेंट आप लोगों ने हमारे उम्मीद से कि 7 से तो ऊपर राइट किए होंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन लास्ट होता है, यानी कि अंत होता है, इंड होता है। तो आई होप कि आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखना ठीक है, कि कितना में से कितना सही किया है, और नेक्स्ट वीडियो आने के लिए आप लोग पार्ट 2 करके जरूर लिखना ठीक है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 करके लिखना, मैं समझूंगा, और जितना आएगा पार्ट 2 करके उतना मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो लाने का। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो जो है बहुत ही अच्छा रैंकिंग करना चाहिए। थैंक यू डैड सर।